राम मंदिर एक ऐसा विषय जो हमेशा से ही भारतीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बना रहा है। किसी के लिए ये राम मंदिर है, किसी के लिए बाबरी मस्जिद, तो किसी के लिए मात्र एक विवादित ढांचा। जहां एक तरफ राम मंदिर में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, वहीं दूसरी ओर सालों से चल रहे इस विषय से जुड़े हैं सैकड़ों किस्से। इन्हीं किस्सों में से एक है चमत्कारी बंदर का किस्सा। 1 फरवरी 1986 में जस्टिस के एम पांडे ने राम जन्मभूमि में ताला खुलवाने का फैसला किया था, जिसके बाद कई सारी चीजें सामने आई, लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प थी एक चमत्कारी बंदर की कहानी। इसी सिलसिले में उत्तरप्रदेश.org की टीम जस्टिस के एम पांडे के घर पहुंची, जहां पर हमने उनके बेटे से इस फैसले से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। आज जस्टिस पांडे हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनके घर पर मौजूद हैं। हमारे साथ उनके बड़े बेटे राकेश पांडे जी मौजूद हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ खास घटा था उस दिन। मैं उस वक्त मौके पे फैजाबाद में नहीं था, लेकिन जैसा हमको लोगों ने बताया और जैसा हमने सुना कि जिस दिन फैसला होना था उस दिन सुबह से ही उनकी अदालत के ऊपर एक जो झंडे फहराए जाते हैं, उस झंडे को एक बंदर पकड़ करके, लंगूर बंदर था वो, दिन भर उसके चक्कर मार रहा था और लोग उसको केला मूँगफली ये सब फेंकते थे, खाता नहीं था वो। और जैसे ही मेरे ख्याल से उन्होंने उसको जजमेंट दिया है शाम को 4 बजे के करीब, उसके बाद वो गायब हो गया, वो फिर दिखा नहीं। और वो जब जजमेंट देने के बाद अपने रेजिडेंस पे आए तो उस समय जो उनके चपरासी वगैरह थे, उन्होंने बताया कि जैसे ही वो अपने बंगले में घुसे और पोर्टिको में आए तो वो बंदर वहीं के खड़ा था, और बाकायदा उसने जो है हाथ जोड़ के नमस्कार किया और वो वहाँ से भी चला गया। ये मतलब घटना है जो लोग बताते हैं कि बिल्कुल सही घटना थी उनकी। सर, उन्होंने ये जो बड़ा फैसला लिया था राम जन्म, ये फैसला मतलब उन्होंने कैसे लिया, क्या क्या चीज़ें थी इसके पीछे, आप चाहेंगे? देखिए, ये तो जो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है ना, उसके अनुसार उनके सामने मुकदमा आया, जो उनको समझ में आया उचित उस हिसाब से उन्होंने कहा। लेकिन वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में या किसी के कहने पे या कोई राजनीतिक दबाव में ये नहीं दिया है। अगर कोई राजनीतिक दल ये कहता है कि जो है उनके कहने पे किया, ये बिल्कुल गलत बात है, ये उनका अपने विवेक से लिया गया निर्णय था। तो आप ये जो राम जन्मभूमि का जो पूरा मामला है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड या नहीं, इसके पीछे कोई और कारण है? देखिए, ये तो पूरी तरह से हिंदुओं की आस्था के ऊपर जो है वो है, क्योंकि हिंदू ये मानते हैं कि इस जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था, और सारी लड़ाई भी इसी बात पे जो है चल रही थी हाई कोर्ट में लेकर के, जो अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो हाई कोर्ट ने उस जगह को जानने के लिए जो है आदेश भी दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे खुदाई करके ये बताए कि यहाँ पे है क्या। खुदाई में जो रिपोर्ट आई उसमें बहुत से ऐसे तथ्य आया जिससे ये साबित होता कि यहाँ पे मंदिर के ही अवशेष थे। तो उसके आधार पर हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला दिया कि यहाँ पे भगवान राम का ही जन्म स्थान था, और किसी और का जो है भगवान, मतलब यहाँ हिंदुओं के लिए उनके इष्ट देव का जो है आस्था वाली जगह थी, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है, और किसी के लिए उतनी महत्वपूर्ण वाली जगह हो नहीं सकती है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से जो आस्था का विषय किसी पॉलिटिकल और उसका वो नहीं था, लोगों ने उसका बड़े पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की होगी, है ना, और मेरे ख्याल से कुछ सरकार बन भी गई उसी पे, उसी निर्णय के ऊपर लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। लेकिन जहाँ तक उनके निर्णय का था और उनका था, उन्होंने उस निर्णय के लिए कोई लाभ लेने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उनके ऊपर दबाव भी पड़ता था कि जो है आपको हम राज्यसभा भेज देंगे, ये करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि देखिए हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं और हम पॉलिटिकल, इसमें मेरा एम्बिशन भी नहीं था, अगर जाएंगे तो जनता का विश्वास मेरे पर से उठ जाएगा। तो वो कभी भी उन्होंने इस तरह का प्रयास नहीं किया कि वो राजनीति में जाए थे।
सर आपने एक दिलचस्प बात बताई, जिस दिन फैसला आना था उस दिन सुबह से एक जो बंदर है वो चक्कर लगा रहा था। जो ये बात है, आप जो वाक्या है, ये आप मतलब एक कोइंसिडेंस है या किसी आस्था से जुड़े होने का कारण भी हो सकता है? ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या इसके पीछे जो है, क्योंकि हम मौके पे तो थे नहीं, वहाँ जो उनके अर्जनी वगैरह थे उन्होंने हमको ये बताया, तो भगवान की कृपा भी हो सकती है। और चूँकि मतलब एक आस्था की बात है तो लोग कह भी सकते हैं, तो मेरा अपने मैंने मौके पे तो देखा नहीं था, तो जो लोगों ने बताया वो बात बता रहे हैं हम लोग को। और क्या जैसे इस फैसले के बाद और भी काफ़ी चीज़ें सामने आई होंगी, तो आप लोगों को या उनके थ्रू क्या क्या जानने जानकारी मिली, क्या क्या हुआ, क्या आप बताना चाहें? जानकारी मिलने के उसके बाद इस विषय पे जो है हाई कोर्ट में मुकदमा चलने लगा। इसमें मैं हाई कोर्ट में एक पक्षकार की तरह से अधिवक्ता था, धर्मदास जी थे उनकी तरफ से मैंने मुकदमे को लड़ा। पक्षकार बहुत से जो है उधर से जो दूसरे पक्ष थे उनके जो है गवाहों को मैंने जेरे वगैरह किया, तो जो सच्चाई थी वो धीरे धीरे सामने आया कि इस जगह पे जो खुदाई में पत्थर निकले उसमें धार्मिक जो है वो कलश वगैरह चीज़ें जो केवल हिंदू धर्म में ही पाई जाती हैं, तो वो मुख्य दरवाजे पे कलश को मिलना, अशोक का पत्ता, फूल मालाएं या और धार्मिक चीज़ें जो है उन पत्थरों पे जो है वो बने हुए थे, और वो पत्थर जो है किसी भी इमारत के जो है नींव में नहीं इस्तेमाल होते हैं। कोई भी अगर इनग्रेव्ड जो है वो पत्थर है तो वो नींव में नहीं इस्तेमाल करता है, वो ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे वो रहते, तो उससे ये साबित होता है कि मंदिर को ही तोड़ करके मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया था। तो ये थे जस्टिस पांडे के बेटे राकेश पांडे, जिन्होंने हमें उस फैसले के बाद हुई कई कहानियों और कई दिलचस्प वाक्यों को हमें बताया। उत्तर प्रदेश .org से सृष्टि गौतम, लखनऊ।